से मनाया जा रहा है। ये पहले साल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से, पुकार कमेटी की जानिब से और आल मेवा की जानिब से कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम और DMWO को RDO को देना हुआ। इंशाल्लाह आइंदा साल से ये चौक का नाम जो मौलाना आज़ाद चौक रखा गया है, यहीं पर वो प्रोग्राम गवर्नमेंट का मनाने की हमारी ये साल कोशिश रही। वो टाइम कम रहने की वजह से गवर्नमेंट ये सभी यहाँ पर वो सेटिंग नहीं कर पाए, इसलिए आइंदा साल से इंशाल्लाह आप लोगों का भी साथ चाहिए, जनरल पब्लिक का भी साथ चाहिए कि हम आइंदा साल से चौक ही में, जो मौलाना आज़ाद चौक से जाना जाता है, यहीं पर वो प्रोग्राम होगा। अभी ये 129वां भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बर्थडे सेलिब्रेशन माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डे के नाम से जाना जाता है। हमें इसे जब तक जिंदा है इसे याद रखना है। ये माइनॉरिटीज़ का जो वेलफेयर डे है, फलाही के लिए जो भी काम होते हैं माइनॉरिटीज़ के, इंशाल्लाह कल सुबह में 11 बजे अरबी उस्मानिया अरबी कॉलेज ग्राउंड्स में ये सेविंग मशीन्स डिस्ट्रीब्यूशन और दुल्हन स्कीम के वो जो स्कीम्स का डिस्ट्रीब्यूशन और भी ऐसे मौलाना आज़ाद का अवार्ड्स, इसकी सभी तकसीमी इजलास कल सुबह में इंशाल्लाह 11 बजे उस्मानिया कॉलेज ग्राउंड्स में गवर्नमेंट की तरफ से मुनक्किद होने जा रहा है। सभी भाइयां जो जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं, दोस्त अहबाब के साथ वो जलसे में आकर कामयाब करें। ऐसा ना समझें कि ये मौलाना आज़ाद का बर्थडे सेलिब्रेशन है, शरीयत इसे इजाज़त नहीं देती है। अगर ऐसा आप सोचेंगे तो अभी हिंदुस्तान के जो भी सिलेबस है सोशल स्टडीज़ का, इसमें से धीरे धीरे मुस्लिम शोहदा जो भी हमारे जंग आज़ादी में काम करे हैं, धीरे धीरे एक एक का नाम कटता जा रहा है। सिर्फ एक नाम बचा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम बचा है। अगर इनको भी हम भुला देंगे तो आने वाले जनरेशन में, आने वाली पीढ़ी, मुस्लिम पीढ़ी, मुस्लिम्स भी जंग आज़ादी में काम करे थे क्या बोलकर एक क्वेश्चन हो जाता। इसीलिए हमें आज जो शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो बर्थडे है, ये बर्थडे नहीं बोले जैसा भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम के जरिए से इनको याद रखना है। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ठहरने वाले एक वाहिद शेर जिसका नाम सारी दुनिया जानती है, उनका नाम शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह है। हमें इनको, इनकी यादों को, इनकी जो भी इन्होंने काम करे हैं, इनकी शहादत को दिल से दिल में रखना है। हम आइंदा की पीढ़ी के लिए भी हम इनको सिलेबस में अगर नहीं रहा तो भी ऐसे तकारीर, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे वेलफेयर के प्रोग्राम्स कर उनके उनकी यादों को जिंदा रखना है। इसीलिए सिर्फ यही गर्ज से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से, आल मेवा की जानिब से और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और दीगर तंजीमा जैसे पुकार कमेटी है, ये कमेटी की एक ही तड़प है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम शोहदा, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स जो अपनी जान देकर और उलमा इकराम हैं, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स इंटेलेक्चुअल्स हैं जो गांधी नेहरू के साथ मिलकर काम करे थे, बल्कि उनके पीछे रहकर काम नहीं करे थे, उनके साथ मिलकर जो काम करे थे आज़ादी लाने के लिए, अपना खून, अपना पसीना, अपनी जानें दिए हैं, उनको हमें जिंदा रहे तक हमारे हम भी याद रखना है, आने वाली पीढ़ियों को भी ये याद दिलाना है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर रोल है तो मुस्लिम कम्युनिटी का रोल है और दीगर कम्युनिटीज़ का भी रोल है। यही चीज़ याद दिलाने के लिए हम ऐसे प्रोग्राम बारह रखना है और आप लोगों का भी इसमें साथ चाहिए। मैं ये तकरीर को हमारे शमशुद्दीन साहब जो मेरे को मौका दिए, इनका, आलमेवा स्टेट प्रेसिडेंट जनाब सैयद हुसैन साहब का, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पुकार कमेटी के प्रेसिडेंट नज़ीर साहब, आलमेवा के जनरल सेक्रेटरी रियाज बाशा साहब का और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो भी कैडर्स यहाँ पर हैं, आप लोग यहाँ पर जमा होने का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।